कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 18 जून को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाई गई थी। इस आदेश को वापस लेने के लिए 21 लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इनमें एक 19 वर्षीय मुस्लिम छात्र भी है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल इस युवक की तुलना इतिहास के एक मुस्लिम भक्त से की जा रही है जिसे प्रभु जगन्नाथ का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। यही वजह है कि प्रत्येक वर्ष जब भगवान की रथ यात्रा मंदिर से निकल है तो खुद ब खुद अपने सबसे बड़े भक्त की मजार पर कुछ देर के लिए रुक जाती है। साल बेग 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगलिया शासन के एक सैनिक थे जिन्हें भगवान जगन्नाथ का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। सालबेग की माता ब्राह्मण थी जबकि पिता मुस्लिम थे। उनके पिता मुगल सेना में सूबेदार थे इसलिए सालबेग भी मुगल सेना में भर्ती हो गए थे। एक बार मुगल सेना की तरफ से लड़ते हुए सालबेग बुरी तरह से घायल हो गए थे। तमाम इलाज के बावजूद उनका घाव सही नहीं हो रहा था इसलिए उनकी माता ने भगवान जगन्नाथ की पूजा की और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर जल्द ही भगवान जगन्नाथ ने सालबेग को सपने में दर्शन दिया। अगले दिन जब उनकी आंख खुली तो शरीर के सारे घाव सही हो चुके थे। इसके बाद सालबेग ने मंदिर में जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने का काफी प्रयास किया लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। इस पर सालबेग ने एक बार कहा था कि अगर उनकी भक्ति सच्ची है तो उनके मरने के बाद भगवान जगन्नाथ खुद उनकी मजार पर दर्शन देने के लिए आएंगे। सालबेग की मौत के बाद उन्हें जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर के बीच ग्रैंड रोड के करीब दफना दिया गया। ऐसी मान्यता है कि सालबेग की मृत्यु के बाद जब रथ यात्रा निकली तो रथ के पहिए मजार के पास जाकर थम गए। लोगों ने काफी कोशिश की लेकिन रथ मजार के सामने से नहीं हिला। तब एक व्यक्ति ने तत्कालीन ओडिशा के राजा से कहा कि वो भगवान के भक्त सालबेग का जयकारा लगवाएं। उस व्यक्ति की सलाह मानकर जैसे ही सालबेग का जय घोष हुआ रथ अपने आप चल पड़ा। तभी से भगवान जगन्नाथ की सालाना आयोजित होने वाली रथ यात्रा को कुछ देर के लिए उनके भक्त सालबेग की मजार पर रोका जाता है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए लाइव इंडिया ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।